और जी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने ये करना है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपका 9th month का 2 week स्टार्ट हो चुका है, तो आपने क्या करना है, रात को 2 या 3rd week के स्टार्ट में, मतलब कि 2 week आपका एंड होने वाला हो या मिड हो या 3rd week स्टार्ट हो चुका हो, फर्स्ट डे हो ना, तो आपने क्या करना है, हल्दी वाला दूध रात को लाजमी पी के सोया करना है। और सुबह के टाइम आपने क्या किया करना है, सुबह के टाइम आपने खजूर लाजमी लिया करनी है, मतलब सुबह के टाइम किसी भी वक्त आप ले सकते हैं, दिन में आपने 4 to 5 जो है ना खजूर लिया करनी है। अगर सर्दियाँ हैं तो बेशक आप ज़्यादा ले लें, लेकिन गर्मियों में थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि गर्मियों में ना बच्चे को यरकान का भी मसला हो सकता है। खजूरें लें, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी कंसीविंग डेट का जो है ना उसको देखते हुए, मतलब मुझे पीरियड लास्ट पीरियड आए थे 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर से 9 अगस्त तक जो है वो मेरी डेट बनती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि जो आपकी पीरियड डेट होती है ना उससे आपने 4 दिन या कुछ डॉक्टर कहते हैं 10 दिन ऊपर वेट करना होता है। तो मुझे कुछ डॉक्टर ने कहा था कि आप 14 अगस्त की डेट दी थी, कुछ डॉक्टर ने मुझे 19 अगस्त की डेट दी थी, तो मैंने वहाँ तक वेट किया। मैंने ये नहीं किया कि मैं डॉक्टर के पास पहले जाके बैठ जाऊँ, अक्सर लेडीज़ ये करती हैं कि डॉक्टर के पास चल जाती हैं, और मेरे पहले बच्चे की दफ़ा ये हुआ था, बेटे की दफ़ा ये हुआ था कि अल्ट्रासाउंड वाले में डरा दिया कि आपका बेटा आपका बच्चा हो जाना चाहिए था, आप इतना लेट क्यों कर रही हैं, आपको अभी जाए अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ये करें वो करें, बट मेरी मामा कहा नहीं, अल्ट्रासाउंड वाले और डॉक्टर वाले तो बहुत डराते हैं, लेकिन तुमने जब तक तुम्हें पेन स्टार्ट नहीं होनी तुमने डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो अगर वाकई आप दिल से चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, तो आपने पेन स्टार्ट होने से पहले डॉक्टर के पास नहीं जाना। हाँ, अपना बीपी वगैरह अगर आपको इशू है तो वो चेक करवाते रहें। मुझे नॉर्मल मतलब कि मेरा जो है हमेशा से 3 बच्चों की दफ़ा बीपी जो था वो लो रहता था, तो लो बीपी के लिए ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, नमक वाला पानी पिए, कैल्सी लेके उसमें पानी में मिक्स करके उसमें नमक डाल के पिए, तो आपका बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो आपने पेन होने का स्टार्ट वेट करना है, उससे पहले आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना। और मुझे जो थी पेन वो इस बेटी की दफ़ा ये हुआ कि सुबह के टाइम स्टार्ट हुई और मैं रात को जाके गई हूँ, जब आपकी पेन के दरमियान का वक्फा सिर्फ 5 से 10 मिनट या 15 मिनट रह जाए तो ही डॉक्टर के पास जाए, उससे पहले बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि जो पेन्स होती हैं वो कम से कम कुछ की 6 घंटे